नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना चाहते हो, आपने अगर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है और उसे आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसे डाउनलोड कैसे करना है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से है बट वो कहीं खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो भी आप उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करना है उसका तरीका आप समझ पाओगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है डिजी लॉकर। देखिए, ये डिजी लॉकर जो है आपको पहले सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, आपको डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमारे यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम इसे ओपन कर लेंगे। आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पे देखिए, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और हम यहाँ पे कंटिन्यू इन इंग्लिश करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे कर देना है और लेट्स गो। ओके, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप जो है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका जैसे आधार पर जो नेम है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पे मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको जो है सिक्योरिटी पिन जो डालना होता है, जो आप कहीं पे भी लॉगिन करते हो तो आपको वहाँ पे पूछेगा। और नीचे उसके नीचे ईमेल आईडी दे देना है और उसके नीचे आपको आधार नंबर जो है आपका वो फिल कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे आधार से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा, उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अकाउंट जैसे क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है। आपको लॉगिन कर लेना है, साइन इन कर लेना है उसे। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर, इन दोनों से करेंगे। हम यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और यहाँ पर जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है हमने जो अकाउंट क्रिएट करते समय फिल किया था उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जो आधार पे जो फोटो है, नेम है, वो सब कुछ आ जाएगा। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, यानी यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें आपको देख लेना है। देखिए, यहाँ पर स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस किस स्टेट का आपको डाउनलोड करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हम महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए, हमारे जो आधार पे जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो फिल कर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर फिल कर देना है उसे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको एग्जांपल के लिए नीचे दिया गया है उसे आपको फॉलो करना है। और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फिल करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो इशूड डॉक्यूमेंट है इसमें आ जाएगा। आपको जो है यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है एक बार। देखिए, यहाँ पे जो नीचे आ चुका है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस,
देखिए आप इसे इसके ऊपर क्लिक करके अलाउ पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और आप चाहे तो व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप उसे देख सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप दिखा सकते हैं इसी ऐप के ज़रिए। ये लीगली ऐप है, इसे आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है आप डाउनलोड या फिर शेयर कर सकते हैं। देखिए देखिए आप यहाँ से नीचे जो बटन दिया है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।